हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ व्हाइट चिकन टिक्का मैरिनेशन, यानी कि मलाई चिकन टिक्का की रेसिपी। मलाई के नाम से ही आप लोग समझ गए होंगे कि ये टिक्का मलाई से बनाया जाता है और इस टिक्का में मलाई का टेस्ट रहता है। बहुत ही बढ़िया बनता है, खाने में बहुत ही टेस्टी है और इसे मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही ईजी और सिंपल तरीके से। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ग्रीन चिकन टिक्का मैरिनेशन, यानी कि हरियाली चिकन टिक्का की रेसिपी। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी को शुरू करते हैं। मलाई चिकन टिक्का बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है चिकन ब्रेस्ट। चिकन टिक्का बनाने के लिए हमें बोनलेस चिकन की ज़रूरत है और थिक क्यूब्स की ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने आधा किलो चिकन ब्रेस्ट ले लिया है। तो चलिए अभी चिकन को थिक क्यूब्स में कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने चिकन ब्रेस्ट को थिक क्यूब्स में कट कर लिया है। तो चिकन टिक्का बनाने के लिए हमें ऐसे ही थिक क्यूब्स की ज़रूरत है। तो चलिए अभी चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। चिकन को मैरिनेट करने के लिए यहाँ पे मैंने एक बोल ले लिया है। अब इसमें डाल देते हैं आधा कप दही, 1/4 कप फ्रेश क्रीम, यह अमूल का फ्रेश क्रीम है, 1 टीस्पून अदरक पेस्ट, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून कबाब मसाला, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून काला मरीच, 1 टीस्पून पीसी हुई हरी मिर्च, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून नमक मेरे टेस्ट के हिसाब से, 1 टीस्पून विनीगर। विनीगर के बदले में आप नींबू के रस भी ऐड कर सकते हैं, और 1 टीस्पून कसूरी मेथी। तो चलिए अभी से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैरिनेशन थोड़ा लिक्विड होता है क्योंकि दही और फ्रेश क्रीम में से पानी निकलता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो मैरिनेशन है वो कितना लिक्विड है। तो चलिए अब इसमें डाल देते हैं हमारी चिकन क्यूब्स को, जो मैंने काट के रखा था। तो चिकन को अभी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि हमारी चिकन क्यूब्स मैरिनेशन में अच्छे से कोट हो जाए। तो मैंने चिकन को अच्छे से कोट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हैं कि हमारी मैरिनेशन कितना लिक्विड है। तो मैंने यहाँ पे एक क्लिंग रैप से इसे कवर कर लिया है। अब हम इसे 1 से 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। रेफ्रिजरेटर में रखने से हमारी जो मैरिनेशन है वो थिक हो जाएगा और साथ ही साथ हमारी चिकन मैरिनेशन में अच्छे से कोट भी हो जाएगा और हमारी चिकन टिक्का मैरिनेशन अच्छे से सेट भी हो जाएगा। तो चलिए अभी 2 घंटे के लिए इसे रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे 4 से 5 स्क्यूअर ले लिया है, ये वुडन स्टिक है। तो जब तक हमारी चिकन मैरिनेट हो रही है तब तक हम इसे पानी में सोक करके रख देंगे। स्क्यूअर को पानी में सोक करने से चिकन के पीसेस बहुत ही इजीली स्क्यूअर के अंदर चला जाएगा और साथ ही साथ जब हम चिकन को आग में सेकेंगे तो इसमें आग नहीं पकड़ेगा, यानी कि ये वुडन स्टिक बर्न नहीं होगा। 2 घंटा हो चुका है फ्रेंड्स, तो मैंने मैरिनेशन को फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी मैरिनेशन काफ़ी थिक हो चुका है और चिकन क्यूब्स भी मैरिनेशन में अच्छे से कोट हो चुका है। तो चलिए अभी इसको स्क्यूअर कर लेते हैं। तो स्क्यूअर को भी मैंने पानी में सोक करके रख दिया था 2 घंटे के लिए। तो चलिए अभी एक स्क्यूअर ले लेते हैं और इसमें चिकन पीसेस को लाइन अप कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी चिकन पीसेस कितनी इजीली स्क्यूअर के अंदर जा रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी एक स्क्यूअर बनके रेडी हो चुका है। तो चलिए बाकी की स्क्यूअर भी इसी तरह रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी 3 स्क्यूअर बनके रेडी हो चुका है। तो हम इसे बिना ओवन के यानी कि गैस में रोस्ट करने वाले हैं। तो गैस को अभी ऑन कर लेते हैं। अब इसमें बिठा देते हैं हमारी ग्रिल पैन को। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप तवा में इसे रोस्ट कर सकते हैं। तो ग्रिल पैन में थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर लेते हैं और साथ में थोड़ा सा बटर भी ब्रश कर लेते हैं। बटर देने से हमारी चिकन टिक्का की टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो बटर को भी ग्रिल पैन में अच्छे से ब्रश कर लेते हैं।
अभी एक एक करके स्क्यूअर को ग्रिल पैन में प्लेस कर देते हैं। तो फ्रेंड्स अभी 2 मिनट के लिए एक साइड से हम इसे सेक लेंगे, 2 मिनट के बाद हम इसे पलट देंगे। तो 2 मिनट हो चुका है फ्रेंड्स, तो चलिए अभी स्क्यूअर को पलट देते हैं ताकि हमारी चिकन दूसरी साइड से भी अच्छे से रोस्ट हो जाए। अभी दूसरी साइड से भी हम 2 से 3 मिनट के लिए इसे रोस्ट कर लेंगे। ऊपर से थोड़ा सा बटर या तो ऑयल ब्रश कर देते हैं ताकि हमारी चिकन ड्राई ना पड़ जाए, चिकन अंदर से एकदम जूसी रहे। तो फ्रेंड्स इसी तरह स्क्यूअर को हम उलट पलट के चिकन को हर साइड से रोस्ट कर लेंगे ताकि हमारी चिकन पीसेस इवनली हर साइड से अच्छे से रोस्ट हो जाए। और साथ ही साथ थोड़ा सा बटर या तो ऑयल ब्रश कर देंगे ऊपर से ताकि हमारी चिकन बिल्कुल भी ड्राई ना पड़ जाए, अंदर से एकदम जूसी रहे और सॉफ्ट रहे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी चिकन हर साइड से रोस्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स अभी ग्रिल पैन को साइड पे रख देते हैं। तो गैस पे अभी एक जाली बिठा देते हैं और इसके ऊपर चिकन की स्क्यूअर को प्लेस कर देते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं चिकन टिक्का को डायरेक्ट आग में सेकूंगी ताकि हमारी चिकन टिक्का में तंदूर का फ्लेवर आ जाए, पर यह प्रोसेस एकदम ऑप्शनल है। आप चाहे तो तवा में चिकन को रोस्ट करके डायरेक्ट सर्व कर सकते हैं, पर अगर आप चिकन टिक्का में तंदूर की फ्लेवर लाना चाहते हैं तो आपको भी इसी तरह डायरेक्ट आग में इसे सेक लेना है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लगता है। पर फ्रेंड्स ऐसे करने से आपकी गैस भी खराब हो सकता है, तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, पर मुझे तंदूर स्टाइल में चिकन टिक्का पसंद है तो इसलिए मैं इसे आग में सेक रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने चिकन टिक्का को आग में सेक लिया है, तो चलिए अब इसे प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी गर्मा गर्म मलाई चिकन टिक्का बनके रेडी हो चुका है सर्व होने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया कलर आया है मेरी मलाई चिकन टिक्का में, दिखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। तो फ्रेंड्स ये था मेरी आज की रेसिपी मलाई चिकन टिक्का। तो आप भी इसी तरह अपने घर पर मलाई चिकन टिक्का बनाए और मुझे कॉमेंट करें कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा है। तो चलिए एक चिकन पीस को बाहर निकाल के देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी चिकन अंदर से एकदम सॉफ्ट और बाहर से देखिए हर साइड से ये अच्छे से रोस्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि हर कोई इस रेसिपी को एंजॉय कर सके। और हाँ फ्रेंड्स बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। और आप लोग मुझे फेसबुक पेज में, इंस्टाग्राम में और ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, हेल्दी रहे, सेफ रहे, मेरे वीडियो को देखते रहिए और मेरी रेसिपी को एंजॉय करते रहिए।